फातिमा बतूल जहरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह आली मर्तबत में करोड़ों बार हदिया सलाम अकीदत पेश करती हूँ। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्ता जो उस रात से पहले कभी जमीन पर ना उतरा था, उसने अपने परवरदिगार से इजाजत मांगी कि मुझे सलाम करने के लिए हाजिर होना है और ये खुशखबरी दी कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के तमाम जवानों के सरदार है। हजरत मुसव्विर बिन महतरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, बस जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरी जान का हिस्सा है, उसे तकलीफ देने वाली चीज मुझे तकलीफ देती है और उसे मुशक्कत में डालने वाला मुझे मुशक्कत में डालता है। हजरत अबू हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरी जान का हिस्सा है, जिसने उसे सताया उसने मुझे सताया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर का इरादा करते तो अपने अहल वयाल में से सबके बाद जिससे गुफ्तगू फरमाते और फिर अपना सफर शुरू करते तो वो हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा होती और सफर से वापसी पर सबसे पहले जिसके पास तशरीफ लाते वो भी हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास आते। एक और मशहूर हदीस जो हदीस किसा के नाम से मारूफ है के मुताबिक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यमनी चादर के नीचे हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अन्हा हजरत अली करमुल्लाह वजहा और हसनैन करीमैन को इकट्ठा किया और फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्नकुम रिज्स अहलुल बैत व युतहिरकुम कम तत्हीरा। सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत है ये तर्जमा। बेशक अल्लाह चाहता है कि ऐ मेरे अहले बैत तुझसे रिज़्क़ को दूर करे और ऐसे पाक करे जैसे कि अल्लाह पाक करने का हक है। जनाबे वाला ये मौजूदा ऐवान एक मजहबी स्कॉलर की तरफ से सोशल मीडिया पर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक नामुनासिब अंदाज बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और इससे पूरी उम्मत की दिल आजारी तसव्वुर करता है। सहाबा इकराम अहले बैत तहार अज़वाजे मुतहरात रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा और अलैहिम और बरगुज़ीदा हस्तियों के बारगाह में इशारा किनाया तहरीरन तकरीरन किसी भी अंदाज में बेहतरी और गुस्ताखी काबिले मजम्मत और नाकाबिले कबूल है और इसे इस्लामी तालीमात के मुनाफी कौमी बयानिया पैगाम पाकिस्तान के मुतफिका ऐलानिया और फतवा की खिलाफ वर्जी का संगीन जुर्म करार देते हुए इस अमर का मुतालबा करता है कि कौमी हुकूमत कि हुकूमत कहता है कि हुकूमती सतह पर इकदाम उठाए जाना नागुजीर है, इसके लिए मौजूदा कवानीन पर अमल दरामद के साथ साथ उन कवानीन में तरामीम लाकर उन्हें मजीद सख्त और मौसर करने की जरूरत है ताकि तोहीन व अहानत का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। बिल्कुल जी, लेकिन इस करारदाद में जहाँ जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातनुल मजीन का इजाफा कर दें आप साथ, क्योंकि इस हाउस ने उस दिन करारदाद पास की थी तो इसके साथ ये जहां भी आका का नाम है तो साथ ये ऐड कर। के नाम के साथ खातमुन नबीन लाजमी है और ये एज हम इसमें ये शामिल कर रहे हैं। शामिल कर जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उसके बाद नाउ मैं पुट करूंगा जी, नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस द रेजोल्यूशन पुट करें जी। जी जी
No, I put the resolution to the house. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. Ji, aap sabko mubarak ho ji. जी शुभ जमानी साहब।